दोस्तों, अगर हम आपसे बोलें स्पेस में तबाही शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द द एंड होने वाला है, तो आप क्या कहेंगे? आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि हम बस बकवास कर रहे हैं। अगर आपको भी यही लग रहा है तो आप अपना कीमती 10 मिनट जरा इस वीडियो में देखने में लगाओ और तब हमें बताना सच क्या है। दोस्तों, 2012 में नासा ने कुछ ऐसा दिखाया जिसने हम सबको हिला के रख दिया। जरा एक बार याद कीजिए कि नासा ने क्या बोला था। नहीं याद है ना? इसीलिए तो कह रहे हैं फटाफट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नई चीजों से अपडेटेड रहें। तो चलिए, बिना बोले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नासा ने कहा था कि बहुत जल्द हमारा पड़ोसी गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी से टकराने वाला है, जिससे हमारी पृथ्वी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसके टकराने के चांसेस 100% है। देखिए, अब जितनी मुंह उतनी बातें। कई लोग कह रहे हैं कि इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इससे हमारे खत्म होने के भी चांसेस है, पर सच क्या असल में कोई नहीं जानता है। पर दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम है ना। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि एंड्रोमेडा और हमारी गैलेक्सी के साथ आखिर कब टकराएगा और उसके टकराने से हमें डरने की जरूरत है भी या नहीं। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करें। लेकिन उससे पहले आपको हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, याद है ना? तो चलिए चलते हैं आज आपको गैलेक्सी की दुनिया में लेकर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं और हमारे बगल में यानी कि हमारा पड़ोसी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। खैर, आपको जानकारी के लिए बता दें कि साल 2012 में जब नासा की स्पेस एजेंसी ने हवालक टेलीस्कोप से एक स्टडी की, तो कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिसने सबको हिला के रख दिया। दोस्तों, इस स्टडी में सामने आया कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और हमारे पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा का आपस में टकराव होने वाला है। यकीन मानिए, जब इसका कोलिजन हमारे गैलेक्सी के साथ होगा तो एक बहुत बड़ा चेंज हमारी पृथ्वी पर भी होगा। आप इस कोलिजन का असर छोटा मोटा समझने की भूल मत करना, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा होगा। दोस्तों, इस कोलिजन के दौरान एंड्रोमेडा गैलेक्सी के लगभग अरबों खरबों तारे हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे गैलेक्सी में घुस जाएंगे। नॉर्मल सी बात है, जब वो हमारे गैलेक्सी में घुसेंगे तो किसी न किसी तारे के साथ उनका टकराव तो जरूर होगा, इसलिए हमारी पृथ्वी भी किसी न किसी तारे से जरूर टकराएगी। चलिए एक बार ये मान भी लेते हैं कि हमारी पृथ्वी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के किसी भी तारे से नहीं टकराई, तो भी कम से कम पृथ्वी के ऑर्बिट में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल जाएगा। अब चेंज आएगा तो हमारी पृथ्वी पर बहुत कुछ चेंज होगा, और तो और हम इंसान जो आज पृथ्वी पर राज कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। वैसे कहीं आप भी उन लोगों में शामिल नहीं हैं जो कह रहे हैं कि 2012 में ऐसा कुछ साइंटिस्टों द्वारा बोला गया था, जब वो नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि नासा साइंटिस्ट ने खुद कहा है कि ये घटना निश्चित रूप से होगी। आसान भाषा में बोले तो इस इंसिडेंट का होना लगभग 100% है। वैसे इस बात को सुनने के बाद आपकी धड़कनें तेज तो जरूर हो गई होंगी, इसलिए हमारे पास आपके लिए खुशखबरी भी है। जानना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। यकीन मानिए, आपकी तरह ही बहुत से लोगों ने जब इस घटना के बारे में सुना था तो उनकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन दोस्तों, ये आधा अधूरा सच है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये आधा अधूरा सच है। जानना चाहते हैं पूरा सच क्या है, तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इसका सच ये है कि इस घटना के होने में बहुत सालों का वक्त बाकी है। बहुत सालों का मतलब 4.5 अरब सालों का वक्त लगेगा। दोस्तों, ये वही वक्त होगा जब हमारा सूरज भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होगा, क्योंकि दोस्तों बाकी प्लेनेट के कंपैरिजन में हमारी अर्थ सूरज के सबसे करीब है। इसलिए सूरज जब खत्म होने के कगार पर होगा तो ये अपने साथ साथ हमारी पृथ्वी को भी बर्बाद कर देगा। देखिए दोस्तों, ऐसे या वैसे आज नहीं तो कल पृथ्वी को खत्म तो होना ही है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इस घटना में लगभग 4.5 अरब सालों का वक्त लगेगा, तब तक हम इंसान शायद इस इंसिडेंट का कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। इसलिए अगर हम इंसानों ने टेक्नोलॉजी विकसित कर ली तो हम दूसरे प्लेनेट पर जा सकते हैं, जहां पर रहा जा सके, ताकि हम इंसान खत्म होने से बच जाएं, वरना पता चला कि हम इंसान भी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। वैसे दोस्तों, ये बात सुनकर आपने राहत की सांस तो जरूर ली होगी, लेकिन अब शायद आपकी राहत की सांस ऊपर नीचे हो जाए। यकीन मानिए, जो बात अभी हम आपको बताने वाले हैं उसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कोलिजन जो होने वाला है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा लगाए गए अनुमान से
बहुत पहले ही होगा। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि दोस्तों इस घटना की शुरुआत भी हो चुकी है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। एंड्रोमेडा और मिल्की वे गैलेक्सी आपस में टकराना शुरू कर देंगे। दोस्तों इन दोनों गैलेक्सी का एक हैवी पार्ट भी है जिसे हेलो के नाम से जानते हैं। ये दोनों आपस में टकराने लगे हैं। आपको और अच्छे से समझ आए इसलिए बताना चाहेंगे कि ये हेलो अपने अंदर बहुत बड़े भाग में गैलेक्सी के बाहर वाले छोर के गैस, डस्ट और कुछ हैवी स्टार्स को अपने अंदर निगले हुए है। 2012 के वक्त नासा ने जो अनुमान लगाया था, ये घटना जो 4.5 अरब सालों बाद होने वाली है, इसकी शुरुआत लगभग अभी से हो चुकी है। वैसे सच बताइएगा, आपको किस बात में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसके सर्कुलेशन के प्रोसेस में या इसके होने वाले इफेक्ट में? जहां तक हमें आपके बारे में पता है, आपको इसके होने वाले इफेक्ट में इंटरेस्ट होगा। क्यों, सही ना बात? दोस्तों इस बात पर सोचिए मत, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, हमारी पृथ्वी पर इसके दो इफेक्ट हो सकते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा। पर दोस्तों इसके अच्छे या बुरे इफेक्ट के बारे में आपको बताएं, उससे पहले आपको इनके बारे में कुछ अहम चीजें जान लेनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है एंड्रोमेडा हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है, साथ ही सबसे बड़ी गैलेक्सी भी है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये हमारे मिल्की वे से करीब दो गुना बड़ी है। एंड्रोमेडा का डायमीटर दोस्तों लगभग 2 लाख लाइट ईयर से ज्यादा है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में लगभग 4 ट्रिलियन तारे मौजूद है, जो मिल्की वे के कंपैरिजन में दो गुना से भी ज्यादा है। वैसे आपके मन में सवाल तो आ रहा होगा कि अगर ये हमारा पड़ोसी गैलेक्सी है तो क्या हम इसे देख सकते हैं? तो हमारा जवाब है हाँ, आप इसे किसी भी टेलीस्कोप से देख सकते हैं। देखने में स्पाइरल फॉर्म में, आप इसे साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत आराम से टेलीस्कोप छोड़िए अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एंड्रोमेडा आसपास की सबसे बड़ी गैलेक्सी में से एक है। दोस्तों वैसे ये कोलिजन आपको जितना भयानक और डरावना लग रहा है, असल में वो इतना भयानक होगा नहीं। कहने को तो ये आपस में टकरा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये आपस में टकराएंगे नहीं, क्योंकि स्पेस में इनके बीच काफी डिस्टेंस होता है, इसलिए तारे ज्यादा नहीं बल्कि एक दूसरे पर बहुत कम प्रभाव डालेंगे। जो भी हो दोस्तों, पर ये बात सच है कि जब 4 मिलियन अरब तारे 2 मिलियन अरब तारों के बीच आएंगे तो इसका रिजल्ट ना चाहते हुए भी काफी बड़ा होगा। वैसे दोस्तों ये कितना ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाएगा वो डिपेंड करता है इसकी पोजीशन पर। जी हाँ, हमारे सोलर सिस्टम की पोजीशन पर। देखिए, अगर कोलिजन के वक्त हमारा सोलर सिस्टम बिल्कुल अलग दिशा में होता है तो इसका असर भी बहुत कम होगा, और तो और हम तक भी बहुत देर में पहुंचेगा। अब अगर कोलिजन भी बिल्कुल सेम पोजीशन पर होगा जहां सोलर सिस्टम के प्लैनेट होंगे, तब ये कितना ज्यादा भयानक हो सकता है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। चूंकि कोलिजन के वक्त बहुत सारे तारे आपस में टकराएंगे, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस भी तो ज्यादा है। पर हाँ, ये बात सही है कि प्लैनेट के ऑर्बिट पर तो 100% हमें असर देखने को मिलेगा ही। गलती से भी अगर किसी भी एक प्लैनेट के ऑर्बिट में बदलाव होता है तो उसकी पूरी की पूरी संरचना बदल जाती है। इसलिए पृथ्वी भी तो प्लैनेट है, और अगर पृथ्वी के ऑर्बिट में बदलाव आता है तो उसकी संरचना में भी बदलाव आएगा। अब अगर ऐसे केस में पृथ्वी बच भी गई तो भी हम इंसानों का टाटा बाय तो निश्चित है। अब आप समझ गए होंगे कि भले ही ये कोलिजन शुरू क्यों ना हो गया हो, लेकिन इसको हम तक पहुंचाने में लंबा वक्त लगेगा। इसलिए अगर तब तक हम कुछ अच्छी खासी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें तो हम बहुत आसानी से दूसरे प्लैनेट पर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, और यही कंडीशन है जिससे हम इंसान विलुप्त नहीं होंगे। दोस्तों स्पेस काफी ज्यादा रहस्य अभी भी अपने अंदर समेटे हैं, हमें अभी भी अपनी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। खैर, स्पेस को समझ पाना इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। खैर, आपको क्या लगता है, कभी ऐसा वक्त आएगा जब हम इस स्पेस के रहस्य को बड़े आराम से समझ जाएंगे? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो पता है ना क्या करना है? बिल्कुल दोस्तों, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर भी करना है।